जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्मार्ट से लड़के के स्मार्ट से चैनल के स्मार्ट से इस वीडियो में। और दोस्तों, लगातार कल जब से हमने क्लास 12th के रिजल्ट की वीडियो अपलोड की है, बहुत सारे कमेंट्स आपके मिल रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज मिल रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस क्वेरी पर एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें मैं आपके दो सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ, जिसके जवाब बहुत ज़रूरी हैं और बहुत वरीड हैं बच्चे। इसलिए पहला सवाल मैं आपके बीच में रखता हूँ। पहला सवाल ये है कि सर, चूँकि हम क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं, तो क्या हम अगले किसी यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सर क्या उससे रीटेस्ट का कोई रिलेशन है? तो सर, अगर हम यूजी के लिए अप्लाई करेंगे तो सर रीटेस्ट कैसे देंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम है। ओवरऑल समस्या ये है कि कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में ये है कि वो रीटेस्ट की तैयारी करें, यूजी एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर अगर हम रीटेस्ट दे देंगे तो सर यूजी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसका बहुत छोटा सा जवाब है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपके अगर परसेंटेज क्राइटेरिया किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अभी उस लायक है कि आप उस यूनिवर्सिटी के मेरिट को क्रॉस कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। जब आप एडमिशन प्रोसेस के दौरान से गुजर रहे होंगे, तो आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख करके ये बात से सूचित करेंगे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को कि हमने री एग्ज़ाम दे रखा है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट फिर आपको कुछ महीनों का समय देता है कि जब आप का एग्ज़ाम हो चुकेगा, जो उसकी नई मार्कशीट आएगी, वो मार्कशीट आप ला करके हमारे पास सबमिट करेंगे। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम या फिर आपका एडमिशन उसके बाद कैंसिल माना जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने क्लास 12th अभी क्लियर किया है, तो आप डेफिनेटली वेट मत कीजिए, अदरवाइज़ डेट निकल जाएगी तो आप एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि आपकी अभी की परसेंटेज से आप उस यूजी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस कॉलेज में नहीं होता, तो वेट मत कीजिए, आप किसी उस नियर बाई कॉलेज या किसी सिमिलर कॉलेज में जहाँ क्राइटेरिया थोड़ा डाउन हो परसेंटेज का, वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका एक साल खराब ना हो। तो आप लोग वेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने 12th क्लियर किया है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ठीक है? तो इस पहले सवाल में मैंने आपके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। सेकंड जो सवाल बार बार निकल करके आ रहा है कि सर, क्या हम जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया या सर आर्ट्स हो गया, सर क्या इनका हम री एग्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दे सकते हैं, इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, अगर आप किसी भी कैंपस या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पर बेस्ट 5 या बेस्ट 4 मार्क्स ही इंक्लूड किए जाते हैं, और उसमें एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स कभी इंक्लूड नहीं किए जाते, कभी नहीं इंक्लूड किए जाते। मेन सब्जेक्ट के ही मार्क्स से आपकी परसेंटेज देखी जाती है, और उसी से आपको एडमिशन मिलता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपने एक किसी एडिशनल सब्जेक्ट, सपोज़ कीजिए कि आपने फिजिकल एजुकेशन में एग्ज़ाम दे दिया और आपने अपने मार्क्स बढ़ा भी लिए, तो क्या उसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन में इतना समय खराब कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें, इसके मार्क्स भी अगर बढ़ेंगे तो आपको आगे बेनिफिट देंगे। अगर फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स मान लो बढ़ भी गए, तो क्या ये आपको आगे एडमिशन में बेनिफिट देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसके मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे। तो इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या नहीं। दे सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है दोस्तों। तो भैया देखिए, डिसीजन आपके ऊपर है, फाइनली सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एक चलते चलते सवाल और, कि मैंने कई सारे कमेंट्स देखे कि सर मेरी परसेंटेज 75 से बिलो है, तो सर मैं अब IIT का फॉर्म कैसे भरूं, सर मैं JEE का फॉर्म कैसे भरूं, सर मैं NIT के लिए कैसे अप्लाई करूं? तो देखिए, लास्ट ईयर की आप यहाँ मेरे बगल में ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का एक ट्वीट था, जिसमें उन्होंने लास्ट ईयर, चूंकि पेंडेमिक की कंडीशन थी, तो 75% के क्राइटेरिया को खत्म कर दिया गया था फिलहाल, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप 75% वाले हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th पास आउट PCM वाला कोई भी बच्चा इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज इसके वीडियो में मैंने आपके तीन सवालों के डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट करें, हम आपके हर सवाल का समाधान इस चैनल के वीडियो के माध्यम से जरूर अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई खबर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।